हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की प्रॉब्लम्स लेके आ गए हैं ना। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के अंदर अपन ने मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी और सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी याद है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, जब अपन ने ये पढ़ा था कि सिस्टम कब यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये ग्राफ के थ्रू आप क्लियर कर चुके हो। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। लेट है ना, वी हैव टू लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन आएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ये दो इक्वेशंस, इनमें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। आपको याद होगा, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। पहला केस ये हो गया कि अपन क्या बोलते थे कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है पर कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंस। ओके, क्या लिखते थे अपन इसको, इनकंसिस्टेंट। जस्ट ए मिनट, कंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और आपको ग्राफ भी याद होगा कि ग्राफ इसका कैसा होता था, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक, अब दूसरा पॉइंट अपन लेके आते हैं, और दूसरे पॉइंट पे अपन को मिलता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ओके, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट तीनों के लिए अगर अपन ने ध्यान दिया तो क्या है, तीनों के कोएफिशिएंट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर तीनों के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल हैं तो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। आया समझ में कि नहीं, क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस। और अगर ये कंडीशन हुई तो अपन बोलेंगे कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और नेचर कैसा होगा, है ना, यहाँ पर कोइंसिडेंट होंगी, यानी कोइंसाइड करेगा। आया, लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ओवरलैप कर देंगी। तो ये पॉइंट अपन को दूसरा भी क्लियर होता। तीसरा पॉइंट अगर आपको याद हो तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये था, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। ओके, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, और ओनली ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। सिर्फ अकेला अगर यही है, सिर्फ इतना, तो सिस्टम जब भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। आया समझ में कि नहीं, सिस्टम जब भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, और उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, यूनिक। और नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। चलो, अब यहाँ तक तो हमको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी अपन देख ही चुके हैं इसमें, है ना, ग्राफ के थ्रू भी अपन कर चुके। अब कुछ क्वेश्चन इसके, क्योंकि अभी तक अपन वैरायटी ही ले रहे हैं, तो ये एक वैरायटी। और मैंने सोचा था कि वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगा, पर ये और कंप्लीट कर लें। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे तो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आया है। ठीक है, तो चलो अपन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं ना, जस्ट ए मिनट। यस,
तो अपने पास जो कंडीशन बन के आ गई उसको अपन यहाँ पर चाहें तो सेव कर सकते हैं। पहली कंडीशन अगर लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन लिखा है तो हम ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ओके, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के बाद अपन आ जाते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन बोलें तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू किसके होगा, बी वन अपॉन बी टू के, पर किसके इक्वल नहीं होगा, सी वन अपॉन सी टू के। आया समझ में? तो इस केस में भी कंसिस्टेंट होता है, इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। अब तीसरा सॉल्यूशन अपने पास आएगा यूनिक और नो सॉल्यूशन के बाद अपन लिखते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ओके, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो हम ये केस ले लेंगे, नो सॉल्यूशन ये ले लेंगे और यूनिक सॉल्यूशन ये ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड के यस फाइंड के इफ इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू के। ठीक हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है, इस पैटर्न पे एक टू मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है अपन को, या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ में आया, उसमें भी डाल देते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पर आएगा ज़रूर, आप ये ध्यान रखना। चलो, अब के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है यूनिक, तो अपन क्या लिखेंगे, वी नो ओके वी नो दैट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज क्या होती है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ओके, इनकी वैल्यूज उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ए वन कितना है, ए वन यानी एक्स का कोएफिशिएंट वन, सो वन अपॉन ए टू यानी एक्स का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में वन अपॉन थ्री, ओके वन अपॉन थ्री, दूसरा इज नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस टू, ओके इज नॉट इक्वल्स टू टू अपॉन के। ओके, तो यहाँ से अपन को वैल्यूज़ मिल जाएंगी के की। ठीक, अपने पास आ गया ना ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, हम ये दो भी ले सकते हैं एक्स और वाई के, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप यहाँ से आ जाओ। ठीक, पहला पार्ट ये आपको बता रहा है कि वन अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल्स टू टू अपॉन के, और सेकेंड पार्ट ये बता रहा है वन अपॉन माइनस टू इज नॉट इक्वल्स टू टू अपॉन, तो k को उधर शिफ्ट कर दो तो k इज नॉट इक्वल्स टू सिक्स। पहला तो आंसर ये हो गया, k की वैल्यू छः नहीं होना चाहिए एंड k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस फोर। आया समझ में कि नहीं? बस इसी तरह आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
कि अपन क्वेश्चन किस तरह से करते हैं इसमें, ठीक है। तो जल्दी से आप कॉपी करो और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फटाफट। ये कंडीशन भी नोट करो तेज़ी से और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई आपको। अब k की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला 6 नहीं होना चाहिए, वैसे तो k यहाँ पर है ही नहीं। आप अगर ध्यान दो तो इसका एक आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं अपन इसमें। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो क्लियर हो गया, अपन ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मान लो कि ये दोनों आंसर ही नहीं दिए तो क्या करेंगे, तो फिर यहाँ आ जाओ पहले वाले पर, ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, ये भी तो हो सकता है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो इसमें तो के है ही नहीं, अगर इसमें के नहीं है तो यूनिक तो जब भी होगा, इसका मतलब के की किसी भी वैल्यू के लिए हो जाएगा। तो आप आंसर पे ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ अगर तो अपन ये लिख सकते हैं के की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। और अगर वो कहेंगे नहीं आप कैरी निकाल के बताओ, तो अपन फिर यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर विच वैल्यू आर वैल्यूज ओके ऑफ के केक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू k हैज नो सॉल्यूशन यस हैज़ नो सॉल्यूशन। अब कंडीशन किस पे आ गई, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब कंडीशन किस पे आ रही है, अब कंडीशन नो सॉल्यूशन पे आ रही है। नो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो अब अपन को वैल्यूज देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ से लेते हैं, वी नो दैट कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल होगा, बी वन अपॉन बी टू पर इक्वल नहीं होगा सी वन अपॉन सी टू। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखी हुई है। बस ए वन कौन होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, बी वन कौन होता है, वाई का कोएफिशिएंट, सी वन के माइनस थ्री यानी कॉन्स्टेंट, ए टू दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, बी टू दूसरी इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट, सी टू कॉन्स्टेंट। चलो इन वैल्यूज को पुट करें अपन, क्या आंसर आएगा, के अपॉन 12 इज इक्वल्स टू के अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन के इज नॉट इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन के। ओके यहाँ से अपन ने इन वैल्यूज को ले लिया। अब ये पहला रिलेशन मैं यहाँ से बना लेता हूँ, इसी रिलेशन को ले लेता हूँ, के अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन के। इसका मतलब ये हुआ कि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो के की वैल्यू कितनी आई, एक्चुअली के की वैल्यू मिली प्लस माइनस 6।
ओके अब कंडीशन तो ये दी, अगर कंडीशन ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि k की वैल्यू 6 है कि k की वैल्यू -6 है कि k की वैल्यू दोनों है। ओके चलो चेक करते हैं अपन। अब मैंने ले लिया पहले k इक्वल्स टू 6, जब k इक्वल्स टू 6 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू k की जगह पर 6 माइनस 3 अपॉन 6। ओके इनको कैंसिल करा गए तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ज़रा ध्यान दो, अगर मैंने के यही आंसर दे दिया होता कि k की वैल्यू प्लस भी 6 आएगी और माइनस भी 6 तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि जब मैं k की वैल्यू 6 ले रहा हूँ, जब k की वैल्यू 6 रख रहा हूँ तो हो क्या रहा है, ध्यान दो आप, 1/2 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है और 6 - 3 3 होगा और 3/6 कितना होगा, 3/6 भी 1/2 होगा। क्लियर, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 1/2, ऐसा थोड़ी होता है भाई, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इस रिलेशन से 6 की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। चलो -6 देखते हैं, के इक्वल्स टू -6, अब -6 रखो यहाँ पर, -6/12 इज इक्वल्स टू 3/-6 इज नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है, -6 -3 अपॉन -6। अब यहाँ से रिलेशन निकालते हैं अपन, कैंसिल करो तो आंसर -1/2, यहाँ कैंसिल किया तो -1/2 और यहाँ से जब कैंसिल किया तो -9/6 यानी -3/2, ये सही रिलेशन है। ठीक है, -1/2 के इक्वल होता है, पर ये हो गया 9 9/6, 3 से कैंसिल कर दिया आपने, जब 3 से कैंसिल करा तो 3/2 मिला। तो यस इसका मतलब k इक्वल्स टू +-6 आंसर नहीं है, आंसर इसका होगा आंसर k इक्वल्स टू -6 ओनली। ओके यस जल्दी से कॉपी करो और समझ में आ गया हो तो फिर और प्रैक्टिस बढ़ानी है अपन को, कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन फटाफट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के फोर एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 4x + 5y इक्वल्स टू 0 एंड kx + 10y, इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन इतनी सी इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 दिया हुआ है, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2। ओके अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a1 कितना आएगा, 4 upon k इज इक्वल्स टू 5 upon 10, तो 4 upon k इज इक्वल्स टू 1 upon 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू k। ओके ठीक, ये थोड़ा सा छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगली प्रॉब्लम अपन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा पर मेथड आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं।
इस पर फोकस करते जाओ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। यस, एक्चुअल में ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। होमोजीनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। ओके चलो एक और एग्जांपल लिखें अपन। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टू हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब ये एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास। प्रोसीजर तो सेम है, प्रोसीजर में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। प्रोसीजर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, बस अब इक्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी। पिछला एग्जांपल मैंने होमोजीनियस का दिया था आपको। होमोजीनियस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो होती है ना। अभी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन होमोजीनियस के अंदर ज़ीरो होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट ले लें अपन। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होती है भाई? ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ए वन एक्स का कोएफिशिएंट यानी वन अपॉन, बच्चों ज़रा ध्यान से, वन अपॉन ए माइनस बी, वाई का कोएफिशिएंट टू, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब बी वन की वैल्यू टू हो गई और बी टू की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीसरा केस क्या आ जाएगा? वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू। ये तीन केस अपने पास बन गए। अब यहीं से क्या पूछा था उन्होंने? ए और बी की वैल्यूज। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। पहले कोई भी दो लेके आप इक्वेशन बना लो। फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं अपन। तो वन अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टू अपॉन ए प्लस बी, ये पहला रिलेशन बना लिया। दूसरा रिलेशन आप बना लो, टू अपॉन ए प्लस बी किसके इक्वल? वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू ए माइनस टू बी। उधर शिफ्ट कर दो आप, तो ए उधर शिफ्ट कर दो और बी यहाँ ले आओ, तो थ्री बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, टू बी माइनस का उधर जाके थ्री बी हो जाएगा। और अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिला? टू ए प्लस टू बी माइनस फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए इधर शिफ्ट कर दो, बी यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू फोर। देखो बहुत आसान इक्वेशंस बन गई हैं। पहले मैंने क्या करा? पहले कंडीशन वही लगाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करने पे एक पेयर मैंने इसका ले लिया, फिर एक पेयर इसका, कोई भी दो लेके आप इक्वेशन बना सकते हो। अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है? थ्री बी। यहाँ पर रख देते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। यस, ए की वैल्यू थ्री बी यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा? थ्री बी प्लस बी इक्वल्स टू फोर।
तो 4b इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पुट कर दो, b अगर 1 है तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है अगर, तो अपन को a की वैल्यू 3 होना चाहिए और b की वैल्यू 1 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ ऑब्जेक्टिव, तो फिर तो इतना बड़ा क्वेश्चन देते नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो a और b की वैल्यू ऑप्शन में से उठा लेना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और उनको यहाँ रख के आप चेक कर लेना। जैसे a की वैल्यू कितनी 3 और b की 1, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3 और 1, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, ज़रा ध्यान दो आप, यहाँ पर रखो 3 माइनस 1 तो 2 आया कि नहीं। तो पहली इक्वेशन में किधर इधर लिख देता हूँ, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, अब मैं x की a की जगह 3 रख रहा हूँ और b की जगह पर 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, तो ये आ गया 2x प्लस a की जगह 3 और b की जगह 1, 3 प्लस 1 4, और कांस्टेंट कितना a प्लस b, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 यानी 2। अब इनके रेशियो देखो, पहला कितना आ रहा है 1/2, दूसरा कितना 2/4, और थर्ड कितना 1/2। 2/4 भी क्या होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। आ गया समझ में आपको? तो इस तरह अपन चेक भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, और सब्जेक्टिव हुआ तो यही प्रोसीजर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी करो और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, इस क्लास में अपन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और ऐप के थ्रू जो क्लासेस चल रही हैं उनमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया, वो क्लासेस थोड़ी सी और फास्ट चलेंगी, है ना। ये आप जल्दी से रजिस्टर्ड हो और ऐप के थ्रू आपके ढेर सारे जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगे और बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी होंगी। तो आप ऐप के थ्रू जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, है ना, तो अपन ताकि पढ़ाई और तेज़ स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ के, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 7, के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5k माइनस 1 has infinite many solutions, okay? अब ये सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन है ना, बस अपने को इक्वेशंस डिफरेंट बनती चली जाएंगी और अपन उनके रिजल्ट्स निकालते चले जाएंगे। ठीक है, प्रोसीजर वही का वही है, कोई ध्यान मतलब बदलना नहीं है आपको, ये तीन पार्ट हैं, इन्हीं पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो, we know that condition for infinite many solution, okay, condition for infinitely many solution, a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, a1 की वैल्यू कितनी है k माइनस 1 upon a2 की वैल्यू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 7/5k माइनस 1। ये मैंने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से बना लिया। ठीक है, x के कोएफिशिएंट का रेशो, y के कोएफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट का रेशो इक्वल होना चाहिए। यस,
आई होप कि ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब तीन है तो अपन कोई भी दो पेयर ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड। तो मैंने फर्स्ट सेकंड ले लिया, इट मीन्स के माइनस वन अपॉन के प्लस वन किसके इक्वल, थ्री बाय सिक्स। थ्री बाय सिक्स कितना होता है, वन बाय टू। तो के माइनस वन, ओके डायरेक्ट लिख दूं, थ्री से सिक्स कैंसिल हुआ, टू आया, टू उधर ले जाओ, तो कितना आंसर आया, टू के माइनस टू इक्वल्स टू के प्लस वन, तो k इज इक्वल्स टू थ्री। यहाँ से मुझे k की वैल्यू थ्री मिल रही है। अब या तो मैं अगली वैल्यू निकालूँ या k की वैल्यू थ्री रख के यहीं चेक कर लूँ, है ना। k की वैल्यू थ्री रखूँ तो वन बाई टू आना चाहिए, तो यहाँ रख देता हूँ मैं थ्री। फाइव थ्री था फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन, और सेवन अपॉन फोर्टीन वन अपॉन टू, थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू। जब k की जगह थ्री रखूँगा तो थ्री माइनस वन टू, और थ्री प्लस वन फोर, टू बाई फोर वन अपॉन टू, यानी मुझे अगली वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं निकालते यार, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी फर्स्ट टू लिए थे, अब ये वाले टू ले लो आप, ठीक है। तो थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन फाइव के, थ्री अपॉन सिक्स कितना होगा, वन अपॉन टू, सेवन अपॉन फाइव के माइनस वन, तो फाइव के माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर्टीन, इट मीन्स फाइव के इज इक्वल्स टू फिफ्टीन, सो के इज इक्वल्स टू थ्री, ओके। तो ये प्रोसीजर अपन को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो अब प्रॉब्लम्स ऑन कंसिस्टेंसी पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अपन बस इसी पैटर्न पे और भी आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं अपन, है ना। अगली क्लास में अपन या तो इसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देंगे। आप इसकी और प्रैक्टिस करो। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप, पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आप ऐप के थ्रू ज्वाइन करो जल्दी, ताकि अपन तेज़ी से सिलेबस ख़त्म भी करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान दें, ठीक है। चलो बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।